नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं, मैं और हसन भाई उन लोगों को देख रहे हैं, और हमने आधी छोटी जो है तय कर ली है गाड़ी से लेकर। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम लोगों की टेबल सजी है। रात के एक बजे हमें इतनी सर्दी लगी हमसे सोया नहीं जा रहा। ये हमारा कमरा है, ये मेरा बेड, ये हसन का बेड, ये हमारी अलमारी है। हसन भाई की नाक बंद है, यहाँ दरवाज़ा है, ये हमारी टेबल है, 5 स्टार मुर्गी है, ग्रिल, बारबेक्यू टुनाइट। विलेज आए हम लोग। ओ क्या हम लोग से दोबारा मिलते हैं। आप देख रहे हैं कैंपिंग प्लस क्राई नाउ, और यहाँ पर हम लोगों ने ये कैंपिंग प्लस किराए पे लिया था, रेंट पे लिया था, और ये बहुत कंफर्टेबल था। 70 यूरो इसका पर डे का रेंट था, इसमें इंटरनेट वाईफाई था, और 2 से 3 लोग इसमें आराम से सो सकते थे, बहुत कंफर्टेबल था। और सबसे बेस्ट चीज़ जो इसकी हम लोगों को लगी वो ये कि इसका व्यू बहुत अच्छा था।
पे तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद दोबारा ऑस्ट्रिया आए। मैं और फहद और बाकी लड़के जो थे वो आ नहीं सके। हम लोगों ने ख़ास प्रोग्राम बनाया था कि ये लड़कों का ख़ास कैंपिंग का एक रैंडम सा प्रोग्राम हो। तो इस वक्त हम लोग हैं तो खैर जर्मनी में, लेकिन ऑस्ट्रिया से होते हुए आए, ऑस्ट्रिया में रुके थे एक रात, फिर अब यहाँ पे जर्मनी में। ये बहुत अच्छी जगह है, तुम लोग सबको मिस कर रहे हैं। और भाई क्या कर रहे थे बहुत ज़बरदस्त जगह, इंशाल्लाह जल्दी दोबारा आओ ताकि अगला ट्रिप जो हो यहाँ का हो। और हालत इस वक्त अजीब सी हो रही है, जाहिर सी बात है हम लोग पूरी रात जो थे वो कैंपिंग में रखे थे। फिर नहीं आज तो कैंपिंग नहीं करी, आज तो कैंपिंग नहीं करी, आज कैप्सूल में सोए थे। होटल टाइप समझ लो वो ले लिया था, क्योंकि बारिश यहाँ का वेदर बड़ा डिस्टर्ब था, उस वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम हुई पहली रात। लेकिन अब ये अच्छा खासी अच्छा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त जाल लग रही है, डोले बन रहे हैं, डोले बन रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। नई जगह हमने ईजाद करी है और दरियाफ्त करी है। इस वक्त ये पहाड़ आधा दिख रहा है, ये जो है पूरे इस पूरा जो एरिया है उसका तकरीबन सबसे हाइट का जो पीक है वो है ये, जो कि इस वक्त आधी नज़र आ रही है क्योंकि आधी बादलों से ढकी हुई है। और इस पे केबल कार वगैरह लिफ्ट चेयर वो सब ऊपर तक जाती है। खैर हम गए नहीं क्योंकि ऊपर से कुछ नज़र नहीं आएगा, मौसम अच्छा होता तो चले जाते शायद। नाज़रीन इस बार हम लोग पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यासर भाई अपनी बरसाती में और बहुत मज़ा आ रहा है। और इस बार हम लोग ऊंचाई से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, जैसे ये देखें बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हमें दिखे, बस तस्वीर नहीं खींच पाए हम लोग। अच्छा तो पूरा ढका हुआ we
हम लोगों का वापसी है यहाँ से इंशाल्लाह। हम लोग आधे घंटे तक हाईवे पे होंगे। दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन हमें अब जाना ही जाना है।